हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवेज ग्रेस मूवी के बारे में, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। तो मूवी के स्टार्ट में हम बारबरा नाम की सेक्सी लेडी को देखते हैं, साथ में उसका हस्बैंड ग्रुक भी दिखता है। उनका एक बेटा है जिसका नाम टोनी है, लेकिन ग्रुक अपने बेटे से ज़्यादा प्यार नहीं करता। उसकी माँ बारबरा टोनी को ज़्यादा प्यार करती थी। अब ये लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपने बेटे की केयर करने के लिए घर पे मेड को देके चले जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद वहाँ के सब लोग बारबरा को ही देखते हैं, क्योंकि बारबरा काफ़ी हॉट दिख रही थी। और फिर बारबरा एक टेबल पर बैठ जाती है और डिनर करती है। बारबरा अपनी एक फ्रेंड से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी आदमी का मीट खा सकती है। उसकी फ्रेंड ये सुनकर मना कर देती है। उसके बाद बारबरा अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो $10 मिलियन के लिए वो उसकी फ्रेंड के साथ गपागप कर सकता है। उसका हस्बैंड उसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता है और गुस्सा हो जाता है। अब बारबरा फिर से अपने हस्बैंड ग्रुक से कहती है कि पार्टी के बाद उसे किसी दूसरे आदमी के साथ बेच सकता है, और ग्रुक हाँ कहता है। और पार्टी ख़त्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से कार में लिफ्ट मांगती है और चली जाती है, और ग्रुक घर चला जाता है और वो सो जाता है। अब रात में बारबरा घर आके टोनी को देखने के लिए झुकती है, लेकिन ग्रुक उसके पिछवाड़े पे देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी वो आगे बढ़ जाती है और टोनी भी बड़ा हो गया है और उसके मॉम के साथ रहता है, क्योंकि उसके डैड बिजनेस की वजह से बाहर ही रहते हैं। उसके बाद बारबरा और टोनी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ बारबरा टोनी से पूछती है कि बेटे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बारबरा कहती है कि सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो वो हाँ कहता है। कुछ टाइम के बाद ग्रुक अपने दोस्तों को घर पे लेके आता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है, लेकिन बारबरा अपने बेटे टोनी को बता के बोलती है कि मेरे बेटे को बहुत ही अच्छी फ्रेंच आती है और वो आपको ये एक फ्रेंच बुक पढ़ के बताएगा। लेकिन टोनी वो बुक अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, और एक गेस्ट है वो टोनी का मजाक उड़ाता है और उसके मॉम को कहता है कि तुम कह रही थी कि उसको बहुत अच्छा फ्रेंच आता है, लेकिन वो एक वर्ड भी अच्छे से नहीं पढ़ पाया। ये सुन के बारबरा उस गेस्ट पे गुस्सा हो जाता है और बोल सबको भगा देती है। अब ग्रुक भी बारबरा से गुस्सा होकर होटल में रुकता है, लेकिन बारबरा रात को ग्रुक को मनाने के लिए होटल में जाती है, लेकिन वो मनाने की बजाय वहाँ पर ही पलम्पाली स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे घर पर आते हैं और देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पे कोई और लड़का सो रहा था और वो बाथरूम में नहा रहा था, और ये देख के ग्रुक को काफ़ी गुस्सा आता है। और यहाँ पता चलता है कि टोनी एक बीच का आदमी है। स्टोरी और आगे बढ़ती है, जहाँ टोनी थोड़ा और बड़ा हो गया है, जहाँ पे वो अपने एक दोस्त के साथ बीच पे सुट्टा मार रहा था और लड़की को देख रहा था। उसके बाद उसको बीच पे एक ब्लैंका नाम की सेक्सी मुंडी दिखाई देती है। यहाँ पे दोनों लोग बातें करते हैं और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर वो घर पे ब्लैंका के बारे में घर पे पेरेंट्स को बताता है, और ब्लैंका बारबरा सोचती है कि मेरा बेटा पहलने वाला बन गया है और अपने हथियार किसी लड़की के अंदर डालेगा, और वो बहुत खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे एक बार में पार्टी करने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन पार्टी में ब्रुक ब्लैंका पे लाइन मारता है। फिर वो रात को चारों एक होटल में रुकते हैं और ब्लैंका और टोनी एक ही रूम में रहते हैं, और रात को टोनी ब्लैंका के साथ पलंग तोड़ पेलम्पाली करता है, लेकिन वो थोड़ी देर में ही ढेर हो जाता है। उसके बाद हम बारबरा को देखते हैं, जो किसी काम के लिए एयरपोर्ट पर गई थी, और वहाँ पर वो ब्रुक को ब्लैंका के साथ देखती है और समझ जाती है कि ग्रुक और ब्लैंका सेटिंग में, और ये देख के वो वहाँ से निकल जाती है और गुस्से की वजह से एक टैक्सी ड्राइवर से अपना छेद में हथियार डलवाती है और घर पे आ जाती है। और यहाँ पे आके वो टोनी और उसके दोस्त को बेड पे देखती है, जो पलंग तोड़ रहे थे, और ये देख के वो गुस्सा हो जाती है। और कुछ टाइम बाद वो टोनी को ग्रुक की सच्चाई बता देती है कि ग्रुक और तुम्हारी गर्लफ्रेंड गपागपी कर रहे थे। और उसके बाद बार बार अकेली होने के कारण एक फ्रेंड ढूंढ लेती है जिसका नाम सेम होता है। वो उसी के साथ रहती थी और उसी के सारी उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। फिर उसके बाद टोनी सेम से बात करते हुए दिखता है, जहाँ पता चलता है कि सेम भी टोनी जैसा ही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो नहा के आता है, तो हम उसकी मोम और सेम को बेड पे देखते हैं और वो भी बीच में आके एंजॉय करता है, सो जाता है। नेक्स्ट डे बारबरा उसके बेटे के साथ ऐसा करने के लिए उसे बोलती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब टोनी ग्रुक को एक मौका देना चाहता था, तो वो एक लेटर लेके ग्रुक के घर पे जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में छुपाने के लगता है, और ब्लैंका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और बाहर आती है, पर टोनी ऐसे ही लेटर रख के भाग जाता है। और इस लेटर पे लिखा था कि पापा हमें आपकी बहुत ज़रूरत है और प्लीज़ आप वापस आ जाओ। इधर बारबरा एक पेंटिंग बना रही थी और रोने लगती है, तभी वहाँ सेम आ जाता है और उसे संभालता है और वो दोनों पेलम्पाली चालू कर देते हैं। इधर टोनी घर आके देखता है तो सेम और उसकी मदर लगे पड़े हैं, तो वो भी उसको पार्टी देता है और ये तीनों लोग मजा करते हैं। फिर सेम टोनी और बारबरा को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं और बारबरा अकेली हो जाती है, तो डिप्रेशन में आ जाती है
और कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर दी है, और टोनी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और बचा लेता है। नेक्स्ट डे ब्रूक की एक फ्रेंड है, वो बर्बरा से मिलने आती है और टोनी से कहती है कि तुम्हारे डैड अजीब तरीके के साइको इंसान है और वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है और तुम लोग उसे दूर ही रहना। फिर कुछ दिनों बाद हम बर्बरा और टोनी को एक फ्यूनल में देखते हैं जहाँ ब्रूक और ब्लैंका भी आए थे, लेकिन ब्रूक बर्बरा और टोनी से बात भी नहीं करता है। और उसके बाद बर्बरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ वो नए नए दोस्त बना लेते हैं। और उसके बाद बर्बरा एक दोस्त से मिलके घर आती है और घर पे टोनी भी बताता है कि मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है, और ये सुन के बर्बरा को अच्छा नहीं लगता है। उसका बेटा एक गे है और वो इस आदत को छुड़ाने के लिए उसे सीड्यूस करती है और वो वहाँ पे ही पेलमपाली शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद टोनी की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और बर्बरा और टोनी की लड़ाई हो जाती है, और टोनी अपनी मोम को चाकू से मार देता है और वो पुलिस को भी कॉल कर देता है और नूडल्स खाता है अपनी मोम की डेड बॉडी के पास। और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो समझ जाते हैं कि ये मेंटल हो चुका है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि टोनी ने वहाँ सुसाइड कर लिया है, और ये मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।